जहां बढ़ते पेट्रोल के दामों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो दूसरी ओर पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और मैनेजर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा ही मामला करौंद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर देखने को मिला, जहां ग्राहकों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की जाती है बल्कि घोटाला भी किया जाता है। शिकायतकर्ता गगन त्रिपाठी ने बताया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ पेट्रोल में हेर फेर किया गया था, जिसकी शिकायत मैनेजर से की थी, लेकिन मैनेजर ने अपने बेटे का भपका देते हुए ये कह दिया कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो वहीं रहवासियों का यह भी कहना है कि यह पेट्रोल पंप अवैध तरीके से बनाया गया है और हाई टेंशन तार के नीचे होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वो शमशान घाट आज का नहीं है साहब, जब से ये करोत की बसीगत हुई होगी, जब ये करोत बसा होगा तब का वो शमशान घाट है। अब वो शमशान घाट के होते हुए, क्योंकि वहाँ अंत्येष्टियाँ अभी भी चालू हैं, जब लोग कोई वहाँ आखिरी में जब शांत हो जाता है तो वहाँ लेके जाते हैं। अब उस पेट्रोल पंप को या तो पेट्रोल पंप की आड़ में शमशान को ख़त्म किया जा रहा, वो शमशान होते हुए पेट्रोल पंप वहाँ कैसे बन गया, ये समझ से परे है। अब या तो कोई उसमें ऐसी स्थिति बनी हो कि या तो शमशान के आड़ में, पेट्रोल पंप की आड़ में उस शमशान को ख़त्म करने की स्थिति में है। वो शमशान आज का नहीं है, सैकड़ों साल की आयु, सैकड़ों साल हो गए उस शमशान को, आज का शमशान नहीं है वो। अब उसमें शमशान से होते हुए वहाँ आज अंत्येष्टियाँ चालू हैं, कल को अगर कोई दुर्घटना होती है शमशान की अंत्येष्टि होते हुए, तो इसका जवाबदार जिम्मेदार कौन होगा? तो ये तो जांच का विषय है, इसकी जांच होना चाहिए कि इसको परमिशन कैसे मिली शमशान घाट होते हुए। दूसरा, वहाँ पर शमशान घाट है, करौत क्षेत्र में 2 से 3 शमशान घाट होते थे और यहाँ 2 लाख की आबादी में एकमात्र शमशान घाट बचा है, उसे भी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। जैसे अभी ये पेट्रोल पंप बन गया है, ये पीछे की कॉलोनी का रास्ता भी रोका गया है, जो पीछे गरीब जनता रहती है और गरीबी लोग वहाँ पे अधिकतर उसमें जो अंत्येष्टि करते हैं उनको डराया धमकाया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पे आप अंत्येष्टि नहीं करेंगे और शायद पेट्रोल पंप वालों के गुंडे हो सकते हैं या भूमाफिया हो सकते हैं जो वहाँ पर रोकते हैं कि यहाँ पर अंत्येष्टि नहीं होगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि इन्हें शासन ने परमिशन दी तो किस आधार पर दी है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो बगैर भ्रष्टाचार के वहाँ पर परमिशन नहीं मिल सकती थी। शमशान घाट लगा हुआ है, हाई टेंशन लाइन है, हाई भी है, कॉलोनी का रास्ता है। सर, चूँकि मेरा ऑफिस जो है यूनिवर्सिटी है, बीच रास्ते में पड़ता करौंद पेट्रोल पंप जो है, उस पर नया पेट्रोल पंप था, तो मैंने बोला अच्छी सर्विस होगी, मैं वहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने गया। मैंने उनसे कहा गाड़ी का फुल टैंक कर दीजिए, उन्होंने फुल टैंक करना स्टार्ट किया और 1000 रुपये पे जाकर उनकी मशीन बंद हो रही। मैंने पूछा मेरा फुल टैंक तो हुआ नहीं अभी, उन्होंने सर वो 1000 रुपये का सेट था इस पर। मैंने फुल टैंक का मतलब 1000 रुपये है क्या? उन्होंने बोला नहीं सर, कर देती हूँ मैं। उन्होंने 150 रुपये का सेट किया उसके बाद और 150 रुपये डाला। मैंने बोला आपने 150 क्यों डाला? अगर कोई अमाउंट डालना है आपको तो आप मुझसे पूछिए। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, वो अपनी मर्जी से 150 रुपये, टोटल 1150 रुपये पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाला, गाड़ी फुल टैंक नहीं हुआ। मैंने बोला मुझे नहीं करवाना आपसे, मैं जो कंपनी उस पेट्रोल पंप का मालिक था, मैंने उस उनके पास गया ऑफिस में, मैंने सर आपने इस मशीन पे मेरा गाड़ी फुल टैंक होनी चाहिए थी, उसकी लिमिट 1000 और 150 सेट क्यों की इन्होंने, मुझे जवाब दीजिए इसका। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने इस चीज़ शिकायत की उनके लिखित रजिस्टर में की, IOCL पे कंप्लेंट में, ट्विटर में ट्वीट की मैंने शिकायत, बट चूँकि आप जानते हैं कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई और आज तक वो कंप्लेंट पेंडिंग में है।